नमस्कार। आज की प्रेस का मुद्दा है जम्मू रीजन में जो तीन टेररिस्ट अटैक हुए हैं, पहला रियासी में, दूसरा हीरानगर कठुआ में और तीसरा डोडा में। 72 घंटों में तीन टेररिस्ट अटैक हुए हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। तीन अटैक, मैं कहना चाहूंगा आपके जरिए कई लोगों की, जो निर्दोष लोग, उनकी जिंदगी चली गई, बहुत 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 दुखद बात है और इसको हम कंडेम करते हैं। और आपके जरिए कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं, एलजी प्रशासन को कहना चाहते हैं, दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, ये खतरे की घंटी है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मुझे नहीं लगता, इससे पहले मुझे याद नहीं आ रहा कि 72 घंटों में जम्मू रीजन में तीन टेररिस्ट अटैक हुए हैं। और नीड ऑफ द आवर ये है कि इसको रोकना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं रोका तो पानी जो है सर के ऊपर चला जाएगा, फिर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने में काफी मुश्किल होगी। आपके जरिए, मीडिया के जरिए मैं कहना चाहूंगा फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एलजी प्रशासन को, हमको करना क्या है, हमको बॉर्डर में बीएसएफ के पर्सनल है उनकी डिप्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा करनी है, देन सीआरपीएफ के पर्सनल की डिप्लॉयमेंट ज्यादा करनी है, पुलिस प्रशासन की डिप्लॉयमेंट ज्यादा करनी है, देन इनफैक्ट हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वर्ल्ड की, जो बॉर्डर में यूज होती है ताकि बॉर्डर को पोरस ना रखा जाए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना है। दूसरा, ड्रोन्स आप टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए और कई सारी लेटेस्ट चीजें यूज कीजिए ताकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इसको रोका जाए। और मैं कहना चाहूंगा, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में बीडीसी फॉर्म की गई है, अब समय आ गया है यहां पर भी बीडीसी फॉर्म की जाए, जो बॉर्डर्स के लोग हैं उनको सशक्त किया जाए। और एक और जरूरी चीज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये जो लोग आते हैं आतंकवादी यहां पर आते हैं, कुछ लोग यहां के लोग उसको संरक्षण देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और उनको कड़ी से कड़ी सजा देना जरूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम कई बार सोचे वो ऐसा संरक्षण देने के लिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई टेररिस्ट आपके घर में आ जाता है बंदूक के नोक पे, आपसे ठीक है काम करवा लेता है कुछ भी, तब ठीक है माना जा सकता है कि आपने मजबूरी में उनको प्रोटेक्शन दे दी या उनकी हेल्प कर दी, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब आपका फर्ज बनता है प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को बताना कि ऐसी ऐसी चीज हुई है, हमारे पास ऐसे लोग आए थे, उस डायरेक्शन में चले गए या उन्होंने ऐसा किया। तो मैं अगेन कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, ये बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी, प्लीज आप यहां पर जम्मू रीजन पे, नीड ऑफ द आवर ये है कि कुछ ज्यादा 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 ध्यान दे, मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा 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 ध्यान दे ताकि ये जो सिचुएशन है इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जाए। हम नहीं चाहते जो पानी है सर के ऊपर चला जाए, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आपके जरिए हाथ जोड़ के विनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्रधानमंत्री से, अमित शाह जी से, डिफेंस मिनिस्टर से, एजी प्रशासन से, कि जम्मू रीजन पे सख्त सख्त ध्यान देने की जरूरत है। ये जो आतंकवादी है इनको कड़ा सा कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है, और अगर जरूरत पड़े तो ये जो पीओके है और जो गिलगित बाल्टिस्तान है इसको हिंदुस्तान में जल्दी से जल्दी मर्ज के दिया जाए। अगर आप ये करते हैं तो यकीन मानिए हाफ ऑफ द बैटल इज डन। मैं फिर से कहता हूं, कड़ा सा कड़ा यहां पर ध्यान देने की जरूरत है।